अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज माशाल्लाह कुछ मेरे जो व्यूवर्स सब्सक्राइबर है कुछ अलग चीज़ कुछ हटके चीज़ देखने के लिए मिल रही है आप लोगों को। आमतौर पे आप लोगों को औरंगाबाद में ऐसी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती है, तो मुझे भी काफ़ी यहाँ पर मज़ा आया। जैसे वीडियो की शुरुआत में जो मैंने यहाँ पर जानवर देखे, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो भी चीज़ है जो भी बातें हैं आप लोगों के साथ वीडियो में करेंगे। वीडियो को एंड तक देखेगा और देखते हैं इंशाल्लाह क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है आप लोगों को। सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम भाई, आपसे पहली बार मुलाकात हुई मेरी और माशाल्लाह बहुत नायाब शौक़ आपने जो बताया पर्दे के पीछे का, बहुत माशाल्लाह एक्सट्रीम, मेरा तो दिल खुश हो गया। तो हमारा सबसे पहले वजह बताएंगे कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। अपनी वीडियो बना रहे भाई जी, ये हमारा हम शौक बता रहे लोगों को। अच्छा, एंटिक जो जी चीज़ें जो है अपने पास जी जी जी, तो जितनी भी एंटिक चीज़ें देखे हमने सारे चीज़ें बताएंगे आप, या सिर्फ फिलहाल अभी यही बताने का इरादा आपका? फिलहाल अभी यही बताना है जी जी, भी इंशाल्लाह भी बताएंगे आगे अभी चलेगा। तो आपके ये जो गोट फार्म है, ये जो आपका शौक है, ये नाम क्या है आपका? हमारे गोट फार्म का FK गोट फार्म है। FK गोट फॉर्म जी। औरंगाबाद में बहुत सारे लोग बर्बरी पाल रहे हैं, बेंटम पाल रहे हैं, हैदराबादी पाल रहे हैं। आपने ये जैकॉब्स है ना, जैकॉब है ना? हाँ, जैकॉब। ओके, चार सिंह। चार सिंह, ठीक है। तो ये शौक कैसा लगा, मतलब आपको ये शौक कैसा पैदा हुआ? ये शौक जो है तो सब में पहले जी फिजर खान ने FK गोट फॉर्म के जो ओनर है जी, तो उन्होंने लेके आए थे एंटिक जितना भी है जी जी, तो औरंगाबाद में उन्होंने लेके आए थे। ओके ओके, तो उनसे जो हमको ये शौक लगे हुआ एंटिक का। ओके ओके, खिजर भाई के जरिए से आपको ये शौक लगा एंटिक का? के जरिए से हमको ये शौक लगे हुआ है। कितने सालों से कर रहे हो आप ये शौक? मैं 2015 से। 2015 से, 15 से। और पहले से ही मतलब मेंढो का और ये जो एक्सोटिक जानवर है आपके पास, इसका शौक है? इसका ही शौक है, एक्सोटिक का मेन है। ठीक है, इम्पोर्टेड जो चीज़ें जो है जी जी जी, हमको ना मेन शौक है जी। तो भाई साहब आपका मैं सॉरी नाम नहीं पूछा, तो आपका नाम क्या है? मेरा सैयद इस्तेसानुल हक। सैयद इस्तेसानुल हक, ठीक है। और एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करेंगे आप, ये जहाँ पर खड़े हैं हम? ये दौलताबाद का जो किला है उसके बैक साइड में है। ओके ओके, वहाँ पर ये फार्म है आपका? यहाँ पर एक फार्म है अपना, ठीक है। फार्म में जो है जी, तो अपना एक नाले गांव में है, वहाँ पर सिंह और बर्बरी का सेटअप है। ओके ओके, और वहाँ पर कुछ जैकॉब्स भी रखे हुए हैं जी जी। तो मैं इस्तेसान भाई आपसे ये पूछ रहा था, कौन कौन सी नस्ल का शौक करवाएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? हम जो है तो भाई आपके जो चैनल के ऊपर जी मैंने देखा नहीं हूँ जी, इसका आपको इंशाल्लाह मैं शौक कराऊंगा जी। और माशाल्लाह मैं भी बोलता हूँ, मैं बहुत जगह जाता हूँ, ऐसी चीज़ देखा मैंने जो मैं सच में बोलता हूँ जो लाइव नहीं देखा मैंने, ऐसी चीज़ माशाल्लाह यहाँ पे देखने के लिए मिली। कौन कौन सी नस्ल मिल जाएंगी भाई? अभी भाई अपने पास में जो है तो टोगेनबर्ग है जी, और गुलाबी है जी, जमुनापारी मिल जाएगा आपको हैदराबादी जी, और सानिया ने भाई जी, अल्पाइन है जी, अंगूरा है माशाल्लाह माशाल्लाह, और भाई ये भी मिल जाएगा आपको जैकॉब, जैकॉब भी मिल जाएगा। और इंशाल्लाह कुछ दिन में जो है तो भाई आपको इम्पोर्टेड जो दुम्बे जी, तो उसका भी शौक कराएंगे भाई। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है भाई, और मेरे को खास तौर से मैं भी एक शौकीन हूँ, तो मुझे ख़ुद को मज़ा आता है पहले ऐसे जानवर देखने के लिए। अमूमन बताते नहीं हैं लोग ऐसे जानवर, क्या रीज़न हो सकता है उसका? जैसे जो आपने बताया, जैसे जो भी है इंशाल्लाह आगे भी बताएंगे, बताएंगे ना भाई आगे भी। अभी आपके चैनल पे चीज़ें आएंगे भाई, पूरे इम्पोर्टेड जो भी जानवर है भाई, जो आपको है ना यहाँ देखने को नहीं मिलते जी जी जी, तो हम लोग बताएंगे भाई, जो आपके चैनल पे सिर्फ हम लोग की जो है ना ये चीज़ें देखेंगे भाई, आप माशाल्लाह बोलो, आपको हर चीज़ बोलो जी जी जी, चलेगा। तो मुझे जैकॉब के बारे में, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो जैकॉब में कौन कौन सी चीज़ रहती है भाई जो टॉप क्वालिटी माना जाती है? टॉप क्वालिटी में भाई इसके सिंग आते हैं। अच्छा, पहले जो सिंग आते हैं भाई, तो अब बहुत से लोगों के पास भी रहते हैं, और बहुत से लोगों के पास जो रहते हैं तो उनके सिंग जो है तो राउंड हो जाते हैं, राउंड हो जाते
जाते हैं। अभी इसके आपको देख लिए एकदम स्ट्रेट आते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका गुलाबी पन देखिए भाई, माशाल्लाह बहुत गुलाबी है। देखो कभी ऐसा होता है कि जानवर, हम कितना भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें, कुछ जानवर ऐसा होता है जब लाइव देखते हो तो बहुत माशाल्लाह होता है, सही है ना। हर एक चीज़ वीडियो में कैप्चर नहीं होती है, नहीं होती है भाई, सही है। बहुत खूबसूरत जानवर है, जैकब नस्ल का बकरा है। और दांतों में कितना है? ये दो दांत पे है भाई, अभी चार दो दांत करेगा। ओके ओके, चार करेगा। और वेट कितना होगा इसका अंदाज से? वेट इसका लगभग 50 से ऊपर है भाई। 50 से ऊपर, ठीक है। एक अंदाजन वजन है ना? एक अंदाजन है, अपन ने गिना नहीं। हाँ हाँ जी, 45-50 हो सकता, अंदर 50 से अंदर भी हो सकता, हो सकता, हो सकता, चलेगा। अच्छा मजबूत हड्डी का बच्चा है। हाँ भाई। और काफ़ी फ्रेंडली है, जैसा मतलब जैकॉब जितना एग्रेसिव होता है उतना नहीं है भाई, उतना नहीं है, कोई भी आसानी से पाल सकता है। तो इसका शौक कराएंगे आप, ये देंगे आज? ये देना है भाई, देना है, सही है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह बकरा। ये बेसिकली लिया कहाँ से था मतलब आपने? लद्दाख साइड से। और जैसा मतलब आपका जो फार्म है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, औरंगाबाद के फार्मों से और औरंगाबाद के शौक से सबसे हटके है? सबसे हटके है भाई। तो क्या सोचा था आपने, क्या सोचकर किया था जैसा ये कि भाई, अपने को जो है तो सिर्फ इम्पोर्टेड का शौक करना है, और जो जानवर जो यहाँ देखने को नहीं मिलते तो अपने को वो बताना है, लोगों को एक शौक, जी लोगों में शौक पैदा करना है उसका, लोगों के अंदर एक शौक पैदा करना है। अब उससे जो लोग हैं जी, तो यहाँ पर ना मेंढे भी बहुत कम लोग रखते हैं भाई अपने, मेंढे तो बहुत कम बोले तो नहीं के बराबर है, के बराबर पालते भाई। हाँ अब जो मेंढा पालना चाहेंगे तो उनके लिए ये चीज़ है भाई। जैकॉब का शौक आपने किया तो आपको मतलब क्या लगा, आम जो नॉर्मल जो हमारे बकरे आते हैं उनसे क्या लगा, इसको डिफरेंट क्या लगा अलग? इससे डिफरेंट ये है भाई, यूनिक चीज़ है। ओके ओके। और मैंने ये सुना है कि जो इनकी ब्रीड होती है जानवी शीप की, जो ब्रीड है तो खाने पीने में बहुत पक्के रहते हैं। बहुत पक्के रहते हैं भाई, आप निश्चित रूप से खड़े हुआ रहेंगे, जो आपके बकरे वो नहीं खाते, वो भी खा जाते हैं, सही। तो आपने बकरा बहुत तैयार किया, कितने वक्त से आपके पास ये? अभी 2 महीने से है भाई। 2 महीने से है, सही है माशाल्लाह। थोड़ा सा चलाओ ना उसको, बहुत खूबसूरत बकरा है। और लेंथ वेंथ बहुत अच्छी है ना इसमें। एक आपने मुझे बताया जो सींगों की क्वालिटी है वो देखा जाती है, उसके अलावा इसमें कुछ कान वगैरह का रहता है, चेहरे का रहता है कुछ? नहीं, मेन बेसिकली इसका सींग पर डिपेंड है भाई, इसका मेन, ठीक है। बहुत सारे जैकॉब का मैंने देखा हो वीडियोस में, इनके जो सींग होते हैं सींग चेहरे में ढस जाती है, लेकिन इसकी सींग काफ़ी दूर दूर है। अब ये जो है तो ये साइड के सींग रहते हैं, तो गुस्से जो है ना जैकॉब की जो सींग है तो अंदर घुस जाती है, मुंडी अंदर घुस जाती है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम क्लियर दूर है भाई। यहाँ पर देखिए बहुत गैप है उसमें, और एकदम सफेद मार्बल की तरह सींग है उसका, है ना, गुलाबी पन देखो माशाल्लाह उसका। थोड़ा सा ये फर हटाओ आप धूप में, देखो कैसा चमकेगा इंशाल्लाह। ये हाथों से हटाओ फर, बहुत गुलाबी है माशाल्लाह ये बकरा। इसकी कटिंग नहीं हुई अभी? नहीं भाई अभी कटिंग नहीं होगी, कटिंग हो जाएंगी भाई। सही, तो इतना ही है अभी फिलहाल देना अपने को, जो हमने वीडियो के शुरुआत में कुछ जैकॉब देखे वो शौक के हैं, वो शौक के है भाई, ठीक है। कुछ ऐसा शौक करना है जैकॉब में, या दूसरे नस्ल के जैसे दुम्बे भी होते हैं इसमें, तो वो भी करवा देंगे आप अवेलेबल? करवाएंगे भाई। बन्नूर होते हैं दुम्बे और जैकॉब भाई जी, विलायती विलायती का भी हो जाएगा, सब हो जाएगा माशाल्लाह। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो इसका प्राइस क्या कोट कर रहे हो आप, कुछ बताएंगे? पर्सनल में रहेगा, पर्सनल में रहेगा, सही है। तो एट प्रेजेंट आपके पास देने लायक इतना ही बकरा है? इतना ही भाई, सही, बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। और जैसे मैं बता रहा हूँ फ्रेंडली है, कोई भी घर पे लेके भी पाल सकता है इसको आसानी से, सही, बहुत अच्छी चीज़। बाहर भिजवा देंगे आप कहीं ट्रांसपोर्ट पर? ट्रांसपोर्ट भी करवा देंगे ना, करवा देंगे, सही। फीमेल्स वगैरह भी आती है इसमें? फीमेल्स भी अभी तो नहीं है भाई। होगी तो बता देंगे, होंगे तो भाई बता दूंगा। ओके ओके, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मतलब मैं क्या ही पूछूँ आपको, माशाल्लाह शौक बहुत नायाब है आपका, इंशाल्लाह लोग खुद देखेंगे आगे आके चल के, आगे खुद लोग देखेंगे भाई इंशाल्लाह, सही है। तो दोस्तों जो कि इंटरेस्टेड है जैकॉब में, और जैसे भाई का जिक्र है कि इंशाल्लाह आप लोगों को कैसा भी नायाब शौक करना है तो भाई से कॉन्टेक्ट में रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को हर नस्ल का हर जानवर का शौक करवाएंगे। तो चलेगा भाई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।